गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनिया चौधरी फ्रॉम मार्टिसन स्कूल क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर। आज आपका न्यू चैप्टर है नंबर 5, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को ओपन करना और उसको बंद करना है उसको मतलब इसके बारे में क्या करेंगे, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसके हार्डवेयर समझेंगे पहले और इसको रीड करेंगे ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले आपका वर्ड SWITCH स्विच, सेकेंड आपका PROPERLY प्रॉपरली, थर्ड आपका POWER पावर, फोर्थ है आपका AUTOMATICALY ऑटोमेटिकली, फाइव है आपका DESKTOP डेस्कटॉप, सिक्स है आपका SUPPLIES सप्लाइज, सेवन है आपका ICONS आइकॉन्स, एट है आपका AEAR अपीयर। अब क्या करते हैं इसके चैप्टर लेसन को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें दो पॉइंट्स आपके, पहला पॉइंट है आपका स्विचिंग ऑन एंड दूसरा पॉइंट है आपका स्विचिंग ऑफ या सेटिंग डाउन। अब स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द कंप्यूटर। पेज नंबर 27 पे आप अपनी बुक ओपन कीजिए एंड पेज नंबर 27 निकाल लीजिए लेसन नंबर 5। लेट्स अस लर्न टू स्विच ऑन एंड ऑफ अ कंप्यूटर प्रॉपरली। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को स्विच ऑन और कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने का जो सही तरीका है वो क्या है। ठीक है, स्विचिंग ऑन के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर को ऑन करने का तरीका पढ़ते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्विच ऑन द पावर स्विच। सबसे पहला क्या करेंगे, जो आपका पावर स्विच है उसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद UPS का जो होता है बटन उसको आप स्विच ऑन करेंगे उसका। ठीक है, इट सप्लाई पावर टू ऑल द कंप्यूटर पार्ट्स, जिसके द्वारा कंप्यूटर के सभी पार्ट्स में पावर सप्लाई होती है। स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे, स्विच ऑन द पावर बटन ऑफ योर मॉनिटर, इसके बाद अपने मॉनिटर के जो बटन है उसको आप उस पर स्विच ऑन कर देंगे। उसके बाद स्टेप फोर में आप CPU का जो बटन है उसके स्विच ऑन करेंगे। इट विल ऑटोमेटिकली स्विच ऑन द कीबोर्ड एंड माउस, जिसके द्वारा आपका जो कीबोर्ड और माउस है वो अपने आप ही स्वयं ही चालू हो जाएगा, वो भी स्टार्ट हो जाएगा तरीके से। ठीक है, इन अ शॉर्ट व्हाइल यू सी विल यू विंडो ऑन द स्क्रीन, उसके बाद थोड़े से कुछ समय में आप क्या करेंगे कि आपके विंडो पे आपकी स्क्रीन शो करने लगी है, जिसको आप क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। यू कैन सी मैनी पिक्चर्स ऑन इट, उस पर आप बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई देंगे आपको, जिसको आप क्या बोलेंगे, आईकॉन्स। ठीक है, छोटी छोटी पिक्चर्स आपको उस पर दिखाई देगी जब आप कंप्यूटर चलाएंगे इस टाइम। ठीक है, जब इस टाइम आप स्कूल में आएंगे उस टाइम आप देखेंगे कि ये सारी चीजें क्या क्या होती है। ठीक है, उसके बाद नोटिस द स्टार्ट बटन एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर, और जो आपका स्टार्ट बटन होता है, ठीक है, जिससे और सभी प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, वो आपका नीचे साइड में लेफ्ट साइड में दिया होता है वो बटन, छोटा सा स्टार्ट बटन का। उसके बाद ये हो गया आपका स्टार्ट करने का, आपको कंप्यूटर कैसे स्विच ऑन करना है। ठीक है, ये सारे स्टेप आपने पढ़ लिए। अब आ जाइए स्विचिंग ऑफ या सेटिंग डाउन। अब इसको स्विच ऑफ कैसे करते हैं या फिर इसको शट डाउन कैसे करते हैं या फिर बंद कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए करना आपको, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ऑन द कंप्यूटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शट इट डाउन प्रॉपरली। आपका जो भी कंप्यूटर वर्क है वो फिनिश होने के बाद ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट आवश्यक है कि आप कंप्यूटर को प्रॉपरली यानी कि सही तरीके से इसको शट डाउन करें। इसके लिए इसके स्टेप क्या दिए हुए हैं, ब्रिंग द माउस पॉइंटर एट द लेफ्ट माउस बटन अ मेनू विल अपीयर। उसके बाद क्या करना, आपको जो माउस का जो पॉइंटर है इसको आपको आपको माउस बटन इसको लेफ्ट साइड में लेके जाना है। ठीक है, मैंने आपको बताया नीचे साइड में लेफ्ट साइड में रहता है आपका स्टार्ट बटन, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही क्या होगा कि आपको बहुत सारे वो ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें आपको क्या करना है, इसमें शट डाउन पे जाकर आपको उस पर वहाँ पे क्लिक कर देना है, जिसके द्वारा अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाएगा आपका CPU। ठीक है, वेट टिल द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, यू कैन चूज स्टार्ट ऑप्शन इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर कंप्यूटर अगेन। अगर आप उसके बाद ये आपका स्विच ऑफ हो जाएगा फिर उसके बाद एक ऑप्शन निकल के आता है मॉनिटर पे रिस्टार्ट का। ठीक है, अगर आप दोबारा से अपने कंप्यूटर पर काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा से ही, तो आप क्या करेंगे, रिस्टार्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो आपको कंप्यूटर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या, आपका नाउ स्विच ऑफ द पावर बटन ऑफ द मॉनिटर, उसके बाद आपको
सबसे पहले आपने क्या किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने शट डाउन कर दिया उसको, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर के जो बटन है उसको आपको स्विच ऑफ करना है, उसके बाद यूपीएस के बटन को स्विच ऑफ करना है, उसके बाद जो आपका मेन बोर्ड है पावर सप्लाई का उसको आपको स्विच ऑफ करना है। इन सभी तरीकों से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आपको शटिंग डाउन यानी कि बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सारे स्टेप होते हैं। इसमें आपने क्या पढ़ा, स्विच ऑन करना पड़ा, कंप्यूटर कैसे स्विच ऑन करते हैं और कैसे बंद करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्ड मीनिंग और ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन आपको कराऊंगी। और आज आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ये हार्ड वर्ड जो है, इन हार्ड वर्ड को सिर्फ अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। थैंक यू।